Hello everyone, welcome back to this YouTube channel once again. I hope you all are doing good. So today in this video, I'm going to share very, very essential question, which is why should we hire you? Someone sent me one message because I have already made one video regarding why should we hire you separate. And even I have already made so many videos regarding Q questions and answer videos. Okay, you can watch those all videos as well because I have got so many positive replies about my videos, guys, because people got selected in SpiceJet as well as Indigo Airline as well. And if you want to follow Instagram page, you can follow my Instagram page, which is MJ Aviation. Aap usko bhi follow kar sakte hain. And आपकी कोई भी क्वेरीज हो, कोई भी आपके पास क्वेश्चन हो, उसका आंसर आपको चाहिए हो, देन यू कैन कमेंट बॉक्स में भी आप कमेंट कर सकते हैं. एंड आप इंस्टाग्राम पेज पर भी मुझे कमेंट कर मैसेज कर सकते हैं. आई डेफिनेटली रिप्लाई ऑफ यू गाइस. ओके, सो टुडे इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू शेयर वन क्वेश्चन विच इज व्हाई शुड वी हायर यू विद प्रॉपर सैम्पल आंसर. ओके, सो प्लीज वॉच दिस वीडियो टिल द एंड. एंड इफ यू आर हियर न्यू, यू कैन सब्सक्राइब दिस यूट्यूब चैनल. एंड इफ यू डिडंट सब्सक्राइब येट, प्लीज आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट, प्लीज सब्सक्राइब इट फॉर द लेटेस्ट फर्दर अपडेट. एंड और बहुत सारी वीडियोज मैं अपलोड करती हूँ. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू नो वाई रिक्रूटर आस्क दिस क्वेश्चन. देर इज थ्री मेन पर्पज. दे वॉन्ट टू नो इफ यू हैव द राइट एटीट्यूड टूवर्ड्स द जॉब और नॉट. वो ये जानना चाहते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल, इफ यू आर गोइंग एनी काइंड ऑफ इंटरव्यू, डजेंट मैटर इट इज एयरलाइंस इंटरव्यू, आप किसी भी इंटरव्यू के लिए जाते हैं, गूगल का हो गया, डिलॉइट का हो गया, एक्सेंचर का हो गया, किसी भी इंटरव्यू के लिए जाते हैं, यू हैव टू फाइंड आउट एवरीथिंग अबाउट द कंपनी. ओके, यू हैव टू नो अबाउट द रिव्यूज, आपको उसके अचीवमेंट्स के बारे में पता होना चाहिए. देन आपको उस कंपनी के सीईओ के बारे में पता होना चाहिए, कंपनी कहाँ तक ग्रो कर सकती है उसके बारे में पता होना चाहिए. देन आपके अंदर वो एटीट्यूड होना चाहिए कि आप एकदम राइट पर्सन हैं इस फील्ड के लिए. ओके, इस जॉब के लिए. लेटर ऑन, सेकेंड इज दे ऑल्सो टू अंडरस्टैंड हाउ वेल यू कैन सक्सीड इन दैट रोल. आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू गाइज कि अगर आप इंटरव्यू के लिए जाते हैं, दे डेफिनेटली आस्क यू, अगर आपका इंटरव्यू क्वेश्चन अच्छा जाता है, दे डेफिनेटली आस्क यू वाई शुड वी हायर यू. तो वो ये जानना चाहते हैं कि आप इस कंपनी को कहाँ तक लेकर जा सकते हैं, आप कितना इस कंपनी के बारे में जानते हैं, बिकॉज एट द एंड यही टू थ्री क्वेश्चन होते हैं जो वो आपसे पूछते हैं अगर आपका इंटरव्यू एकदम परफेक्ट तरीके से जाता है. तो आपका इंटरव्यू सिलेक्शन इसी क्वेश्चन के बेस्ड पर होता है कि आपने इस क्वेश्चन का अच्छा आंसर दिया है तो यू डेफिनेटली गॉट सेलेक्टेड. देन थर्ड थिंग, हाउ डिटर्मिनेट आर यू अबाउट गेटिंग दैट जॉब. आप कितने ज़्यादा पैशनेट हैं, कितने ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंट हैं इस जॉब के लिए, आपको कितना इस चीज़ के बारे में नॉलेज है. देन यू हैव टू नो अबाउट ईच एंड एवरी सिंगल थिंग. मैं अभी भी आपको बता रही हूँ, आप किसी भी इंटरव्यू के लिए जाएंगे, यू हैव टू फाइंड आउट एवरी थिंग, लाइक उनका रिव्यूज़ चेक करिए, उनकी सक्सेस चेक करिए, वो कहाँ तक ग्रो किया है उन्होंने, सारी कुछ कंपनी के बारे में आप अच्छे से जानिए, क्योंकि वो आपसे ये क्वेश्चन इसीलिए पुटअप करेंगे कि आप कितना जानते हैं कंपनी के बारे में और आप कितने ज़्यादा मतलब आप कितने ज़्यादा कैपेबल हैं कि आप इस जॉब को अच्छे से कर पाएंगे. देन देल डेफिनेटली आस्क यू वाई शुड बी हायर यू दिस क्वेश्चन. सो देर आर थ्री मेन पर्पस, देल डेफिनेटली आस्क यू. ओके, सो नाउ हम वीडियो को ज़्यादा लॉन्ग नहीं करेंगे क्योंकि वीडियो लॉन्ग हो जाती है तो आप आंसर स्किप कर देते हैं. लास्ट तक वीडियो को देखा कीजिए. नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू थ्री फोर आंसर्स, एटलीस्ट थ्री आंसर्स मैं आपको इसमें बताऊंगी कि आप क्या उनको बोल सकते हैं. अदरवाइज आप मेरे आंसर कॉपी करके आप उन्हें बोल सकते हैं, बट येस कंपनीज के बारे में आपको अच्छे से पढ़ के जाना पड़ेगा. ओके, सो नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू थ्री फोर आंसर्स, लेट्स बिगिन. So the first answer is, I believe I would be the best candidate that fits the job. I have read the job descriptions carefully and understand what this job does and needs. Okay, आप job description जब भी कोई भी link पर आपकी profile निकलती है, like job निकलती है, तो आप उस description को भी check करिए कि उनकी उन्होंने जो descriptions add की हैं, जो भी skills उनको चाहिए वो आपके पास हैं या नहीं है. So ये the first answer आप देख रहे हो, it would be very very perfect answer. Okay, I believe I would be the best candidate that fits the job. I have read the job descriptions carefully and understand what this job does and needs. Okay, I am confident that my knowledge, skills and past experiences would best so capabilities and power on me to do this job well. I am more suitable to this job than any other candidates. Okay, this answer would be very very best answer, guys. No need to skip this video. Okay, then second thing, second answer is, I love this job since it's my favorite one. I have been looking forward to the coming of this day for a long time. Okay, इसमें ये शो हो रहा है कि आपको काफ़ी टाइम से इस जॉब का इस पोजीशन का वेट था, तो आप बहुत ज़्यादा पैशनेट हैं अबाउट दिस जॉब. ओके, आई हैव बीन प्रिपेयरिंग फॉर इट, आई डिड रिसर्च ऑन योर कंपनी एंड नो अ लिटिल अबाउट योर ऑन गोइंग एंड फिनिश्ड प्रोजेक्ट्स दैट दे आर वॉट आई लाइक टू डू. इट वुड बी एन एक्साइटिंग थिंग फॉर मी टू जॉइन विद योर कंपनी एंड कंट्रीब्यूट माई नॉलेज एंड स्किल्स टू यू. एंड आई बिलीव आई रियली कैन डू समथिंग फॉर यू दैट वुड बी अ वंडरफुल थिंग फॉर मी टू बी हायर्ड बाई योर कंपनी. एंड इफ यू आर हायर मी, आई अजोर यू दैट I'll do my best for the company. Okay, you can say like this. So here are two answers. It would be really really great answer, guys. अगर आपके पास भी कोई आंसर हो then you can comment. आप कमेंट बॉक्स में उसको आंसर कर सकते हैं. अगर किसी के लिए वो suitable होगा तो वो आपके आंसर का यूज़ कर लेगा. ओके, देन आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, विच इज़ MJ Aviation. सो थैंक यू सो मच फॉर दिस वॉचिंग दिस वीडियो, गाइज. थैंक यू.